शक्ति टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, दिवाली का सीज़न चल रहा है। ये देखिए कुछ वायर, मैंने आपको एक चेजर लाइट बना के दिखाऊंगा। आरजीबी वायर मैंने काट के रख ली है। एलईडी मैंने यहाँ लेग्स इनकी छोटी कर ली है, जिस तरह से आपको दिखती है ना, प्लस माइनस, माइनस छोटा और वो प्लस बड़ा होता है, उसी लेवल में मैंने इनको काट के छोटा कर लिया। अभी मैं आपको सैंपल के तौर पर कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मैं लड़ी बनाऊंगा या झालर बनाऊंगा, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होगी। इस तरीके से बनाने में देखिए, तार को हम थोड़ा सा छील लेंगे, छीलने के बाद उसको एक टर्न देंगे ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। फिर नेगेटिव पे छोटी टांग के ऊपर एक टर्न इस तरह से देंगे हम, और पेस्ट लगाते हुए, पेस्ट की बचत मत करना दोस्तों, पेस्ट ज़रूर लगाना। ये हल्का सा हमने शोल्डर किया है, देखिए चारों तरफ से शोल्डर हो गया। करना इसके कॉर्नर में है लेग की, ये वायर हमारी लग गई। और जितनी लेंथ आपको चाहिए, मैंने 9 इंच की लेंथ ली है। 9 के बाद मैंने इसको किया 18 इंच, 18 इंच को मैंने फोल्ड कर दिया तो 9 इंच की लेंथ बन गई। मुझे दो वायर का लगाना है, का यहाँ कनेक्शन करना है, तो इसलिए मैं इसको बीच में से छील के इस तरह लगा रहा हूँ। देखिए आप, कोई भी तार आपस में टच नहीं हो रही है, बिल्कुल दूर दूर हैं ये तारें, कोई भी आपस में टच नहीं हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों, एक ब्लैक लेनी है हमने और एक रेड लेनी है। ये देखिए, ये पकड़िए और इनको घुमाइए। ये इसको साइड में मैं कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैं घुमा रहा हूँ, कोई मेहनत का काम नहीं है, बच्चा भी बना सकता है इसको। ये पैरेलल कनेक्शन है, मैं इसके अभी फ़िलहाल लेके जा रहा हूँ। और देखिए इस तरह से मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करता जाऊंगा और फिर आपको दिखाता चला जाऊंगा। ये देखिए इस तरह से पकड़ना है, ऐसे घुमाते चले जाइए। ये इसके अंदर टर्न, जो बल कह लीजिए, टर्न कह लीजिए, वो बन गए। ये मेरी लड़ी का पहला पीस ये तैयार है। ये देखिए बल भी आ रहे हैं इसके अंदर, अच्छे से आ रहे हैं। तो इनको मैं कंप्लीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे स्टेप में चलना है। फ्रेंड्स, अब हमको एक ये इस तरह के छोटे छोटे पीस काट लेने हैं चार्ट पेपर के। वैसे तो हमने ये बड़ी सावधानी से और बड़ा मजबूत काम किया है, लेकिन फिर भी कहीं से कहीं ये शॉर्टिंग ना हो जाए। ये पेपर इस तरह से इसके बीच में लगाना है, इसको हम फोल्ड कर देंगे, किसी भी साइड में फोल्ड कर दीजिए ताकि ये दोनों टांग आपस में टच ना हो। उसके ऊपर ये हीटसिंक स्लीव हम इस तरह से चढ़ा देते हैं। इस तरह से इसको चढ़ाते हुए बिल्कुल किनारे पे हमने छोड़ देनी है। देखिए मैंने अपनी तैयारी तो पहले ही कर रखी है। अब इसको हीट देने से पहले नीचे लकड़ी का एक कोई फट्टा या तख्ता रख लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी एलईडी बिछा ली है और ये मेरी हॉट गन है। इससे काम बहुत जल्दी होगा। अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप एक लाइटर की सहायता से या मोमबत्ती की सहायता से भी ये काम कर सकते हैं। उसमें आपको एक एक करके करना पड़ेगा। देखिए सारी के सारी एलईडी मेरी सील्ड हो चुकी हैं, इनके कनेक्शन कहीं से शॉर्ट भी नहीं हो सकते। और इसको देखिए, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी, जैसे बाज़ार से आप लेते हैं उसी तरह लग रही है, लेकिन उससे मजबूत है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड मैंने कर ली है। ये मैं आपको 30 एलईडी की चेन बना के दिखाऊंगा, आप अंदाज़ा लगा लो कि 30 जो एलईडी हैं कितनी लंबी हो जाएंगी। काफ़ी अच्छी लेंथ होती है इनकी। मैं अब ये दूसरी साइड पे आता हूँ इसकी, और इधर से हम एलईडी लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम कुछ इसकी जो है ब्लैक वायर, ब्लैक के साथ इस तरह से छीलते हुए इसको आपस में लपेट लेंगे, और एक एलईडी लेके उसके साथ माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी ये हमने जो आपको दिखाई है, ये चेन आधी थी।
देखिए इस तरह से माइनस को माइनस से प्लस को प्लस से पैरेलल ये दो दो वायर पकड़ते हुए हमने जैसे हमने लपेटी है ये एंड की वायर है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हमारी दो वायर हैं, दो वायर ऐसे पकड़नी है और पैरेलल कनेक्शन लेते हुए चलना है। जैसे कि मैंने इसमें ले लिए ये देखिए, इसके बाद हम इधर आएंगे, एक एलईडी और उठाएंगे, इस तरह से ब्लैक के साथ ब्लैक जोड़ देनी है, रेड के साथ रेड जोड़ देनी है, इसके ऊपर एलईडी लगा देनी है और इस तरह अपनी चेन पूरी करनी है। मैंने 15 लगा दिए, 15 और लगाने के बाद मैं बाकी भी एलईडी तैयार करूँगा, रेड ग्रीन ब्लू तीन कलर की करूँगा और उसके बाद आपको मैं चेजर लाइट लगा के इसको चला के दिखाऊँगा। फ्रेंड्स मैंने अपने ये तीनों सेट तैयार कर लिए हैं, तीन कलर की लाइट लगाई है इसमें मैंने। सबसे पहले इसको मैं आपके कनेक्शन दिखा रहा हूँ, इसको ये जो नेगेटिव्स हैं हमारी वायर हम तीनों कॉमन कर लेंगे, इस तरह से तीनों नेगेटिव पकड़ के हम तीनों को एक जगह पे जॉइंट लगा देंगे। ये हमारी कॉमन वायर है, तीनों को एक जगह सोल्डर कर देंगे और ये है मेरा चेजर सिस्टम जिसकी ये मेन तारें हैं जिसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये तीन तार चेजर से आ रही हैं इसके अंदर से। अगर आप इस सर्किट के बारे में समझना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो अपने दे रखा है चैनल में, तो आप इसको ज़रूर देखिए। अब इसका जो कनेक्शन है ये नेगेटिव कनेक्शन है इसका जो हमारा कॉमन होगा, तो ये कॉमन वायर के अंदर ये नेगेटिव कनेक्शन हम सोल्डर कर लेते हैं। तीनों एलईडी का जो हमने जाल बनाया है उसके तीनों का कॉमन, उसको हमने इसके माइनस के साथ माइनस कर देना है, जॉइंट कर देना है इस प्रकार से। अब हमारी जो फर्स्ट नंबर पे ये लड़ी रखी है इसकी पॉजिटिव वायर हमने एक नंबर चेजर के एक नंबर पे सोल्डर कर देनी है। आप इसका एक नंबर पीछे से भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस तरह सीरियल आप बना रहे हो उसके हिसाब से नंबर लेने हैं। अब सेंटर वाली का हमने सेंटर वाली से सोल्डर कर देना है। कुछ इस तरह से, और मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं इनके ऊपर टेपिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। जब मैं इसको लगाऊंगा तो इसके अंदर बकायदा पूरी टेप वगैरह मैं करके, कहीं से भी शॉर्ट सर्किट ना हो तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगा। ये तीसरे नंबर का हमने कनेक्शन करना है, ये सोल्डर हमारा हो गया। अब चेजर को हम यहाँ रख लेते हैं। इसकी ये जो दो वायर हैं, येलो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ब्लू वाली नेगेटिव है, तो इसको मैं अब कनेक्ट करता हूँ 12 वोल्ट के अडॉप्टर से। फ्रेंड्स मैंने अपने चेजर बोर्ड के कनेक्शन कर लिए हैं, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। इसके हमने एक दो तीन, ये रेड येलो ब्लू ये कनेक्शन हमने तीनों तीनों लड़ी के पॉजिटिव से कनेक्ट करने हैं। नेगेटिव दो तीनों का कॉमन करके हमने ये दे दिया यहाँ पे। ये ब्लू जो है नेगेटिव है, येलो पॉजिटिव है, इसको 12 वोल्ट की सप्लाई मैं एडाप्टर के थ्रू दे रहा हूँ। इसको अब हम चालू करते हैं, ये देखिए तीनों लाइट मेरी चालू हो गई हैं। मैं थोड़ा आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी चेजर झालर बनके तैयार है। अगर आप इस चेजर बोर्ड का सर्किट जानना चाहते हो तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। मेरे चैनल का लिंक भी होगा, वहाँ से देख के आप मेरे इस लिंक वीडियो तक पहुँच सकते हो बड़े आराम से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।